का मंगल हो। नमस्कार। जिस बच्चे का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी ना लगे, कतई ना लगे, आपने सारे यतन जतन प्रयत्न सब कुछ कर लिए, लेकिन हर तरह से उसको समझा लिया, मैंने कहा हर तरह से सारे काम कर, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, और वो पढ़ाई के नाम से स्कूल कॉलेज के नाम से हड़बड़ा जाता, अजीब स्थिति हो जाती, बहका बहका सा रहता है, और एक मतलब जो भी कुछ हो। यहाँ पर सारांश में इतना ही कहना चाहता हूँ भाई, जब सभी आपके जितने भी क्या कहते हैं, मैंने कहा ना आप बिल्कुल थक जाओ हार जाओ, तो उसका एक तरीका है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई में भले उनका मन ना लगे, उनका दिमाग जो होता है ना बड़ा मैकेनिकल माइंडेड होता है या बड़ा कंस्ट्रक्टिव टाइप का होता है, वो दूसरी चीज़ों पर प्रवीण होते हैं, तो उनको वैसे ही काम में डाल दिया जाए। कुल मिला के मैं ये कहने जा रहा हूँ, उसको कमाने की चाट डाल दी जाए। चाट का मतलब क्या है? चस्का। उसको कमाने का, कमाई का चस्का हो जाए भाई। जब वो मेहनत करेगा, कुछ काम करेगा, कुछ सीखेगा, वैसा काम किसी के पास तो आप छोड़ोगे उसके मनपसंद काम में, ठीक है ना? तो उसको दो थोड़े, ठीक है, थोड़े समय बाद सीखने के बाद उसको जब खुद भी कमाएगा या उनके पास रह के भी कमाएगा अपने, ठीक है ना, जो भी उसका मास्टर गुरु उस्ताद जो भी बनेगा, तो ऑब्वियसली उसके हाथ में दो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो क्या कहते हैं उसको अच्छा लगेगा। यदि आपका बिजनेस नहीं है तो, और आप खुद बिजनेसमैन है, तो उस बच्चे को अपने पास कहते रखिए, अपने साथ खाली उसको खाना खाने छोड़िए, बस कुछ भी ना करिए, इसको कोई सोना नहीं, कोई और कुछ नहीं, इधर उधर नहीं जाना, सुबह से रात तक आपके साथ ही रहेगा। आपके साथ मतलब आप इधर से उधर भी मूव कर रहे हैं किसी कारणवश काम से, या आप भले ही कहते हैं थोड़ा लेट भी आ रहे हैं, जा रहे हैं जल्दी, जा रहे हैं देर से आ रहे हैं, लेकिन बच्चा सारे समय आपके बिजनेस पे बैठा रहेगा। उसके सुपरविजन के लिए, या वो क्योंकि बच्चा भी ज़्यादा फैसला नहीं ले सकता, वो आपको कोई विश्वास पाता समझदार व्यक्ति वो साथ में रहेगा, लेकिन उसको बैठा एक टिकाए रखना, उसको छोटा छोटा काम सिखाए रखना है, ठीक है, जिससे उसको समझ में आए, डेवलप हो, ज़बरदस्ती बैठा हो जाए अगर वो नहीं मानता तो। या कई बार क्या होता है, बच्चा पढ़ाई में तो बहुत होशियार है लेकिन वो गैर चलन में चल रहा है या कुछ इधर उधर भटक रहा है, ठीक है ना, उसके लिए भी यही चीज़ें हैं। लेकिन खास तौर पर जिनका मन बिल्कुल नहीं लगता, उनके लिए तो मैं फिर बताने जा रहा हूँ, उसको कमाई की आप चस्का लगा दीजिए, उसको शौक लगा दीजिए, एक ही बात जो शब्द बोलना बोल लीजिए, देसी शब्द बोली कोई, लेकिन ताकि वो बच्चा आपका बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आप जो भी कुछ है तो इस छोटी सी बात को गहराई में लीजिए। मंगल कामना। नमस्कार।